हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आपको उत्तराखंड में जो एक बार फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है 3-4 दिनों के लिए। तो 3-4 दिनों से लगातार जो है पहाड़ों पर बारिश हो रही है, तो उस वजह से जो है हरिद्वार में कितना जल स्तर जो है बढ़ चुका है, इसको मैं देखने के लिए आज मैं हल्की पौड़ी पर जा रहा हूँ कि वहाँ पर जल की क्या स्थिति है। और उसके बाद मैं आपको नीलधारा नदी पर भी दिखाऊँगा कि वहाँ पर जल की क्या स्थिति है। तो अभी मैं जा रहा हूँ हरकी पौड़ी की तरफ, और सामने आप देख सकते हैं आसमान में चारों तरफ काले ही काले बादल जो है नज़र आ रहे हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ हरकी पौड़ी की तरफ, वहाँ पर देखते हैं जल की क्या स्थिति है। और आज दिन है 7 अगस्त और दिन के इस टाइम बज रहे हैं 12। सो गाइस, इस टाइम मैं पहुँच चुका हूँ हरकी पौड़ी पर, और सामने आप देख सकते हैं CCTV के सामने जो है घाट, वहाँ से जो इस टाइम मैं पुल पर खड़ा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा जी का जो फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जो जल स्तर है। और सामने आप पहाड़ों पर देख सकते हैं माँ मनसा देवी का टेंपल। अगर आप हरिद्वार हरकी पौड़ी पर आते हैं तो माँ मनसा देवी के भी दर्शन करने ज़रूर जाएँ। और चारों तरफ का व्यू जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जो हरकी पौड़ी पर जो है शिवरात्रि के बाद भी काफ़ी संख्या में जो है कांवड़ियाँ अभी भी आ रहे हैं हरकी पौड़ी पर जल लेने के लिए। और ये आप देख सकते हैं वाटर लेवल का जो है जल स्तर यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा है। सो गाइस, आप सामने आप देख सकते हैं धनुष ब्रिज का सुंदर नज़ारा। और यहाँ पर अगर जल स्तर की बात करी जाए तो यहाँ पर भी वाटर लेवल जो है बढ़ा हुआ है, और काफ़ी संख्या में जो है श्रद्धालु हरकी पौड़ी पर पहुँच रहे हैं शिवरात्रि के बाद भी। सो गाइस, इस टाइम आप देख सकते हैं हरकी पौड़ी के ताज़ा दर्शन मैं आपको करा रहा हूं। और यहां पर आप देख सकते हैं जो है जल स्तर जो है सामान्य से ही नज़र आ रहा है, और काफ़ी संख्या में जो है श्रद्धालु और कांवड़िया जो है हरकी पौड़ी पर दिखाई दे रहा है इस टाइम। और इस टाइम मैं आपको हरकी पौड़ी के ताज़ा दर्शन करा रहा हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है गंगा जी का जो बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इस टाइम जो है आसमान में अगर देखें तो चारों तरफ इस टाइम काले काले जो है बादल हो रखे हैं, और नाइट में भी बारिश हुई थी, तो इस वजह से अभी भी बूंदाबांदी जो है हल्की हल्की हो रही है। और आपको इस टाइम जो है वीडियो में शायद दिखाई ना दे। सो गाइस, इस टाइम मैं आपको करा रहा हूँ हरकी पौड़ी के ताज़ा दर्शन। ब्रह्मकुट घाट का ये सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर जल स्तर की बात करी जाए तो यहाँ पर जो है सामान्य सा एक जल स्तर दिखाई दे रहा है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो काफ़ी जो है कम संख्या में जो है जल वहाँ पर है, और इधर भी 1 से 1.5 फुट ही है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो सारा जल है वो नीलधारा नदी में डाला हुआ है, क्योंकि लगातार जो है पहाड़ों पर 3-4 दिनों से बारिश हो रही है। और जो है पूरे उत्तराखंड में एक बार फिर से जो है 3-4 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और यह आप सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं हरकी पौड़ी का। और इस टाइम मैं आपको सामने आप देख सकते हैं भागीरथी सेतु, और यहाँ पर जो है गंगा जी का जो है फ्लो जो है देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ा हुआ है। और ऊपर पहाड़ों पर आप देख सकते हैं माँ मनसा देवी का टेम्पल। सो गाइस, इस टाइम मैं आपको सुंदर नज़ारा दिखा रहा हूँ ब्रह्मकुट घाट का। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो है काफ़ी संख्या में जो है श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। आज दिन है 7 अगस्त, संडे का आज दिन है, और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है श्रद्धालु हरकी पौड़ी पर पहुँचे हुए हैं। और शिवरात्रि के बाद भी देखा जाए तो कांवड़िया भी यहाँ पर जल लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। हालांकि शिवरात्रि हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी पूरे सावन जो है कांवड़िया जल लेने के लिए हरकी पौड़ी पर आते हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं श्रद्धालु गंगा जी में स्नान करते हुए। और यहाँ पर जो है ब्रह्मकुट घाट पर भी जो है शाम की आरती भी यहाँ पर यहीं पर होती है। और आपको चारों तरफ का व्यू जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी संख्या में जो है अत्यधिक संख्या में जो हरकी पौड़ी पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। सो गाइस, इस टाइम मैं आपको ताज़ा दर्शन जो है हरकी पौड़ी के करवा रहा हूँ।
और जूम करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर यहीं पर जो है शाम की आरती भी इसी ब्रह्मकुंड घाट पर होती है, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं। और काफ़ी संख्या में जो है श्रद्धालु स्नान करते हुए गाइस इस टाइम मैं आपको हर की पौड़ी के चारों तरफ का सुंदर नज़ारा ये दिखा रहा हूँ, आपको देख सकते हैं आप। तो गाइस इस टाइम मैं पहुंच चुका हूं पंतदीप पार्किंग वाले पुल पर, और यहां से आप देख सकते हैं भगवान शिव की 108 फीट वाली विशाल मूर्ति, और सामने आप देख सकते हैं भीमगोड़ा बैराज। यहीं से जो है गंगा जी के जल स्तर को कंट्रोल किया जाता है हर की पौड़ी के लिए, और हर की पौड़ी पर तो जल स्तर कम किया हुआ है, लेकिन इधर से अगर देखा जाए तो यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है जल हमें दिखाई दे रहा है। और आसमान में आप देख सकते हैं चारों तरफ काले ही काले बादल नज़र आ रहे हैं, और इस टाइम भी हल्की बूंदाबांदी जो है बारिश की हो रही है, वीडियो में आपको दिखाई नहीं देगा। और सामने आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है श्रद्धालु हर की पौड़ी पर पहुंचे हुए हैं, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम। सो गाइस इस टाइम मैं पहुंच चुका हूं हर की पौड़ी के सामने वाले जो दिल्ली देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर है, जो पुल बना हुआ है उसके ठीक सामने वाले पुल पर, हर की पौड़ी के पुल पर मैं पहुंच चुका हूं। और यहां से आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहा हूं दिल्ली देहरादून ऋषिकेश हाईवे वाला पुल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हैं माँ गंगा का जो जल स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लो में यहाँ पर देख सकते हैं आप। पहाड़ों पर जो तीन चार दिनों से जो बारिश हो रही है, और पूरे उत्तराखंड में जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, उससे यहाँ पर आप देख सकते हैं जल स्तर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और जो यहाँ पर बहाव है गंगा जी का वो भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप वीडियो में। पहाड़ी पर आप देख सकते हैं मां मनसा देवी का टेंपल, सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। और जिस पुल पर मैं इस टाइम खड़ा हूं उसके चारों तरफ का जो सुंदर नज़ारा है वो एक बार आपको मैं दिखा देता हूं। सो गाइस इस टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ भागीरथी सेतु, और इस वाले पुल पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा बहाव आप देख सकते हैं, गंगा जी का जो जल स्तर है वो आप देख सकते हैं वीडियो में। सो गाइस आप देख सकते हैं धनुष पुल का सुंदर नज़ारा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा जी का जो बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर जो है गंगा जी काफ़ी भरकर चल रही है। सो गाइस मैं निकल चुका हूँ हर की पौड़ी से, और अब मैं जा रहा हूँ चंडी पुल की तरफ, और वहाँ पर चलकर हम देखेंगे हरिद्वार में जो नीलधारा नदी का जो जल स्तर है वो कितना बड़ा हुआ है, और पूरे उत्तराखंड में जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, और आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है,
तो वहाँ पर जाकर देखेंगे कितना ज़्यादा जो है वाटर लेवल बढ़ा हुआ है। और सामने आप पहाड़ी पर देख सकते हैं माँ चंडी देवी का टेम्पल। तो आप भी अगर हरिद्वार आते हैं तो ज़रूर दर्शन करें माँ चंडी देवी के। और यह देख सकते हैं आप नीलधारा नदी का सुंदर नज़ारा। और यहाँ पर देख सकते हैं वाटर लेवल की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लो में जो है गंगा जी बह रही है। काफ़ी ज़्यादा जो जल स्तर है वो बढ़ गया है, पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। और सामने आप देख सकते हैं पोल पर जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो गंगा जी का बहाव है। और यहीं पर बराबर में ही ये एक नया पुल भी बन रहा है चंडी पुल के बराबर में, देख सकते हैं आप वीडियो में। और आसमान में अगर देखा जाए तो चारों तरफ काले ही काले बादल जो है नज़र आ रहे हैं। सो गाइस, इस टाइम मैं निकल चुका हूँ चंडी पुल से और अब मैं जा रहा हूँ कनखल घाट पर। वहाँ से आपको दिखाता हूँ गंगा जी का जल स्तर कितना बड़ा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहुँच चुका हूँ मैं कनखल घाट पर। और यहाँ से आप देख सकते हैं गंगा जी जो है काफ़ी भरकर चल रही है और काफ़ी ज़्यादा जो है जल स्तर है वो बढ़ा हुआ है यहाँ पर भी। और देख सकते हैं आप पूरी तरह से जो सीढ़ियाँ हैं वो डूब चुकी हैं जल से। और आने वाले दिनों में जो है ये पूरा का जो पूरा घाट है वो दिखाई नहीं देगा हमें। और आसमान में अगर देखें तो चारों तरफ काले काले बादल जो है हमें नज़र आ रहे हैं। और किसी भी टाइम बारिश वगैरह दोबारा हो सकती है। सो गाइस, मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया इस वीडियो में कि नीलधारा नदी पर और हर की पौड़ी पर जो है गंगा जी के जल स्तर की क्या स्थिति है वहाँ पर। और जो पूरे उत्तराखंड में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है और पहाड़ों पर जो चार दिनों से जो बारिश हो रही है और उससे हरिद्वार में भी जो बारिश हो रही है उससे गंगा जी का जो जल स्तर है कितना बढ़ा हुआ है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख के हर हर महादेव हर हर गंगे। जय उत्तराखंड।